सो फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरीके से ग्रीन स्क्रीन लगा लेना है अपने बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आपको काइन मास्टर में आसानी से बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। किस तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है आज इसी वीडियो में काइन मास्टर के एप्लीकेशन में जाकर मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं काइन मास्टर की तरफ। दोस्तों, इस तरीके से आपको भी काइन मास्टर ओपन कर लेना है और न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको फर्स्ट नंबर में मिल रहा है 16.9, इस ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके पास काइन मास्टर ओपन होकर आ जाता है। आपको यहाँ क्लिक करके आप बैकग्राउंड को चूज कर लीजिएगा और यहाँ से कट कर देना है। आपको इसे इंक्रीज कर लेना है, इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ा लेना है। आपको कितने का वीडियो का लेंथ रखना है उसी के मुताबिक आपको कर लेना है। इसे बैक करेंगे और लेयर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी वीडियो है आपने ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड कर रखा है आपको यहाँ से चूज कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ दोबारा से कट कर देना है और इसे सबसे पहले क्रॉप करेंगे। इधर आप देखेंगे इस ऑप्शन में आपको आ जाना है और क्रॉपिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको कहीं पर भी एक बार टच कर देना है। आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर टच कर देते हैं। टच करने के बाद आपको इसे एक बार सेलेक्ट करके अपने मुताबिक साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और सेंटर में मिला सकते हैं। आप दोबारा से ऑप्शन में आएंगे इस तरीके से राइट साइड में और हमें ढूंढना है क्रोमा की। आप देख सकते हैं क्रोमा की, इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपको इसे दिख रहा है अभी 28 और 85, इसे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। अगर आपका यहाँ से नहीं होता है तो कलर सही से मिलाएंगे। कलर नहीं मिल रहा है तो आपको मिल रहा होगा की कलर, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से आपका ग्रीन कलर है तो नीचे डाउन करके आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोबारा से अपने मुताबिक इसे इंक्रीज डिक्रीज करके आप इसे ठीक कर सकते हैं और बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस कितनी स्मूथ और बेहतरीन तरीके से ये करके दे दिया है। डियर माय फ्रेंड, मैं इसे एक बार प्ले करके देख लेता हूँ कैसे किस तरीके से हमारा ग्रीन स्क्रीन रिमूव हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा कितना स्मूथ और अच्छे तरीके से हमारा ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। अगर और आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन खुलेगा, आप कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप अपने मुताबिक इसे ड्रैग करके कलर को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपका इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ब्लू करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, आप अपने मुताबिक कर सकते हैं और प्ले करके देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हमारा दिख रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा और स्मूथ चल रहा है। एंड गाइज, अगर आपको बैकग्राउंड में अलग वीडियो को ऐड करना है या चलाना है तो आपको सेम प्रोसेस करना है। लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से फाइल आ जाएगा, वीडियो या फोटो ले सकते हैं और फोटो या वीडियो लेने के बाद आपको कट कर देना है। इस ऑप्शन में आएंगे, स्प्लिट टू स्क्रीन करेंगे और इसे फुल कर देना है। इसे बैक करेंगे। दोस्तों, आप अपने फ्रंट वाले वीडियो को लेंगे और थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों आपको ब्रिंग टू फ्रंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका पिक्चर आ जाएगा, इसे एक बार प्ले करेंगे। इस तरीके से प्ले होने के बाद हमें दिखता है गाइस, अगर आपको पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक हटाना है तो पीछे वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और मिक्सर के ऑप्शन पर क्लिक करके 100 ओपेसिटी है तो इसे कम करेंगे और इसे बैक करेंगे। इस तरीके से हमारा वीडियो चल रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइज, अगर आपको भी इसी तरीके से बनाना है तो दोस्तों हमारे वीडियो को फुल वॉच करके अच्छे तरीके से बना सकते हैं और वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड, आपने देखा किस तरीके से मैंने वीडियो को एडिटिंग किया। और दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके से वीडियो बनाना चाहते हैं, ग्रीन स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको बताऊंगा फुल प्रोसेस किस तरीके से आपको वीडियो शूट करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक मोबाइल फ़ोन लेकर और PVC का मैंने एक स्टैंड बना रखा है और हमारा जो देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है वो एक बाइक का है जो आप आसानी से बना सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको भी इसी तरीके से मोबाइल स्टैंड बनाना है तो हमारे इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको स्टैंड बनाना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इससे यह होगा कि हमारे तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँच जाएंगे। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमें आपको एक बात और बतानी है, आपको मैंने बताया था किस तरीके से मोबाइल स्टैंड को बनाया जाता है। मोबाइल स्टैंड बनाने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर क्लिक करके आप अपने मोबाइल स्टैंड को बनाने के लिए सीख सकते हैं किस तरीके से बनाना है। जाइए और देखिए, आपको पूरी डिटेल्स में समझ में आ जाएगा।